मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी पर काबू ना पाया जा सका। अपोजिशन जमातों ने एक बार फिर बलूचिस्तान असेंबली से रैली निकालकर वजीर आला हाउस के सामने धरना दे दिया। हुकूमती अराकीन में से कोई भी एहतजाजियों से मिलने नहीं आया। अपोजिशन अराकीन वापस बलूचिस्तान असेंबली लौट गए, जाते हुए 19 मार्च को अवामी मार्च का ऐलान कर दिया। सूबे में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने बलूचिस्तान असेंबली से रैली निकाली और सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठ गए। अपोजिशन जमातों की जानिब से मौजूदा हुकूमत पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो सूबे में अमन अमान कायम करने, बेरोजगारी के खात्मे और अपोजिशन के हल्कों में बेजा मुदाखलत कर रहे हैं, जो की इनकी नाकामी का सबूत है। अपोजिशन अराकीन ने वजीर आला हाउस के सामने तकरीबन 2.5 घंटे एहतजाज किया। इस बार उनसे मिलने की हुकूमती अराकीन में से कोई नहीं आया, जिसके बाद धरना खत्म करके अपोजिशन अराकीन वापस बलूचिस्तान असेंबली लौट गए। तहम ऐलान किया कि 19 मार्च को अवामी मार्च किया जाएगा।